गया ये सेल का चार्जर। ऐसे कैसे हो गया, मैं कैसे भूल गया? मम्मा बहुत गुस्सा है मेरे से, अब मुझे ध्यान से पढ़ाई करनी होगी। कहिए नैतिक। कुछ नहीं, मैं तो बस। मुझे पता है आपने किस लिए कॉल किया। क्यों करते हैं आप ऐसा नैतिक? क्या हुआ अक्षरा? आप ना बहुत जल्दी दल बदल लेते हैं। मैं टुकू को समझाती हूँ तो मुझे समझाने नहीं देते, और फिर कहते हैं कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए, और जब करती हूँ तो ठीक है, मुझे ही करना है ना, तो ठीक मैं ही करूँगी, आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। ओके बाय। कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षर, क्लाइंट को आपका वो ब्लू डायमंड्स वाला डिजाइन बहुत पसंद आया, यही बताने के लिए फोन किया था मैंने। अगर कुछ समझ में ना आए या पूछना हो तो पूछ लेना, मैं यही बैठी हूँ। ये क्या लिखा है? नॉलेज। नॉलेज मतलब जानकारी। आई नॉलेज नहीं, आई नॉलेज नहीं, आई नो। Realize, मतलब महसूस करना। वैसे आपको रियलाइज हुआ कि आपकी मम्मा आपसे नाराज है, लेकिन नक्श आपसे नाराज है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है और नहीं चाहती कि उनका बेटा कोई भी गलत काम करे जिससे उसे पनिशमेंट मिले। एक बात बताऊं? रुको। अच्छा पढ़ो क्या लिखा है। Unwanted. Correct. अब इसको हटा दो। अब क्या लिखा है? Wanted. ऐसे ही जब हम हमारी आदतों में से बुरी आदतें हटा देते हैं, हम सबकी नजरों में वांटेड बन जाते हैं। वैसे भी हमारा नक्श हमारे लिए वांटेड ही है, और हम सब जानते हैं कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से वो अनवांटेड बन जाए या फिर उसकी मम्मा दुखी हो जाए, है ना? अपना ख्याल रखना बेटा, अच्छे से खाना पीना और फोन करती रहना। छोटी, अब वो गिफ्ट दे दे जसमीत को जो तूने अपनी बहू के लिए खास लिए हैं। जी दीदी। वाह मॉम, ये तो बहुत ही सुंदर है। और तुझसे ज्यादा सुंदर नहीं। जसमीत बेटा, जल्दी वापिस आना, मेरे बच्चे से ज्यादा दिन दूर मत रहना। हो हाँ, नहीं तो दोबारा वापिस आ जाएगा तुम्हारे पीछे मुंबई। दादू, ये तो फिर भी सबके साथ यहाँ पर है, मैं वहाँ अकेली, कि तो मुझे आ जाना चाहिए। अंशु बेटा, तुम जा रहे हो ना जसमीत को छोड़ने? ओ जी, हम संधि संधि बैठ के चाय पियेंगे और ये छोड़ाएंगे। अंशु जल्दी निकलो, देर हो रही है ना, ये लो। जसमीत बेटा, नमन और मुस्कान को हमारा ढेर सारा प्यार देना। जी दादी। चले माँ, काकी, आंटी, आप लोग भी ना। महाराज जी किराने वाले को पैसे दे दिए ना? हम बोरा नहीं, सब पैसा देते हैं। नक्श, अब बस करो, थोड़ी देर ब्रेक ले लो। नहीं, मुझे फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। अक्षरा,
माफ कर दो उसे, बच्चा ही तो है वो, और नाराज मत रहो। देखो कैसे उदास चेहरा हो गया उसका। आपको क्या लगता है छोटी माँ, मैं खुश हूँ? उससे ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे, पर क्या करूँ, सिखाना तो पड़ेगा ना। सच है माँ होना बहुत मुश्किल काम है, हम बच्चों से नाराज हो तो भी दर्द, और बच्चे हमसे नाराज हो तो भी। अरे छोटी माँ याद आया, जसमीत का फोन आया था, वो आज जा रही है और उसने आपका सारा सामान रख लिया है और आपका प्यार लेकर जा रही है नमन और मुस्कान के लिए। गरमा गरम कॉफी। वर्षा एक बार अपनी आईज क्लोज करो ना। क्यों? अरे क्यों मत बोला करो, प्लीज करो। ठीक है जल्दी कीजिए, बहुत सारे काम हैं। अब खोलो। हे भगवान शौर्य, ये क्या किया आपने? हे भगवान, मैंने कैसे रिएक्शन सोचे थे और तुमने क्या रिएक्शन दिया? मुझे तो लगा था तुम इसे देख के नाचोगी और खुश हो जाओगी। शौर्य मैं कोई 15-16 साल की बच्ची थोड़ी ना हूं जो इन बचकाने हरकतों पर खुश हो जाऊंगी। ये बनवाने की क्या जरूरत है? मेरा नाम ही तो लिखवाया वर्षा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। शौर्य मैं जानती हूँ और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपना प्यार जताने के लिए इस टैटू की जरूरत नहीं थी। शौर्य मैं जानती हूँ इसे बनवाने में कितना दर्द होता है, देखिए ना कितना लाल हो गया है। भगवान न करे इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए तो। मैं लाइफ में रोमांस लाना चाहता हूँ। और क्या हो गया शौर्य को, क्यों ऐसे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं? सॉरी डुकू, मैं अगली बार से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे आप गुस्सा हो। मेरा बेबी, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, हाँ? और उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है आपको डांटना, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप कभी भी चीटिंग नहीं करोगे। चीटिंग करना गंदी बात होती है ना बेटा। मैंने चीटिंग नहीं की थी मम्मा, सच्ची। वो तो यश मुझे अपना पेपर दिखा रहा था, मैंने तो उसे मना भी किया था। आप सच बोल रहे हो डुकू? हाँ मम्मा सच्ची, आप चाहो तो यश से भी पूछ लो। फिर आपने टीचर को ये बात क्यों नहीं बताई? नहीं तो फिर टीचर यश को डांटती ना इसलिए। भाई की शिकायत ना लगाना अच्छी बात है, लेकिन बेटा चीटिंग करना या करवाना बहुत बुरी बात है। मैं यश को भी समझाऊंगी। ओके ओके चलो मम्मा, अब आप मुझे रिवीजन करा दो। नहीं नहीं बेटा, आप बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो, अब थोड़ी देर हम दोनों ना कार्टून देखेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ओके मम्मा, बेटे के बीच में पैचअप हो गया? सॉरी पापा, आपको बुरा लगा होगा ना टीचर ने मेरी कंप्लेंट करी। इट्स ओके नक्श, बस प्रॉमिस करो कि आज के बाद ना आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मम्मा पापा को आपकी कंप्लेंट सुननी पड़े। ओके सॉरी नैतिक, वो मैंने फोन पे। इट्स ओके अक्षय। मन नहीं था ना तेरा आने का? हाँ पर आना तो जरूरी था, और तुम लोग भी तो हो ना यहाँ। अब मस्का मारना बंद कर और ये बता माले खाने के लिए क्या लाई है। ये सामने देख, और ये सारे बैग सब उसी से भरे पड़े। अरे किस किस ने सामान नहीं दिया, माँ बड़ी माँ अक्षरा दीदी। अब तो नाम ही गिनवाती रहेगी या चीजें भी दिखाएगी? अच्छा जायज एक बात बता, जब तू यहाँ आ रही थी तो अंशु पक्का रोया ना? स्टॉप इट नमन, तू उसको हमेशा छेड़ता रहता और वो नहीं रोया था, समझा? सो सैड यार। नमन तंग मत कर फोन। और रोमियो, हाँ जहाज यहाँ आई नहीं कि तेरे फोन आने चालू हो गए। आया नमन। अरे इतने दिन तेरे साथ रही है, अब 2 मिनट हमें भी तो उससे बात करने दे। हाँ अब तो तुम्हारे साथ ही रहेगी। हाँ हाँ जेलेस हो रहा है ना? तू जेलेस हो, मैं तेरे जलने की खुशी में यहाँ लड्डू खा रहा हूँ।
मैं फ्रेश हो के आती हूँ। हाँ खा खा, इसलिए तो इतने सारे भिजवाए हैं। एक काम कर, जरा आंटी को फोन दे, इतने यम्मी लड्डू के लिए उन्हें थैंक यू बोलना है। वो तो तू दिव्यानी आंटी को बोल, उन्होंने बनाए हैं लड्डू, मुस्कान से पूछ ले। मूस, ये लड्डू किसने भिजवाए हैं? मूस, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुझे ये सब पता था ना? मूस, तुझे हो क्या गया है? भूल गई उन्होंने हमारे साथ क्या किया था? क्यों जानबूझकर इस सब में पड़ रही है? भाई, मुझे लगता है हमें उनसे एक बार बात। बिल्कुल नहीं। भाई धीरे बोलो, जा सुन लेगी। मूस, मेरी एक बात ध्यान से सुन, उनको भूल जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वही हुआ ना, कितना सूझ गया है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं, ठीक हूं मैं, तो मैं अपने आप लगा लूंगा। लड्डू और मठरी बहुत टेस्टी हैं। थैंक यू। छोटी माँ बधाई हो, आपकी मेहनत रंग लाई। थैंक यू अक्षरा, तुम्हारी वजह से ही मुझे हिम्मत मिली कि मैं कुछ बना पाऊँ और भेज भी सकूँ। रियली थैंक यू। छोटी माँ, नहीं तुम जानती हो ना, तुम्हारे जैसे लड्डू मठरी बनाना मुझे कहाँ आता है, तुम नहीं बताती तो पता नहीं मैं कैसे लड्डू और मठरी भेजती। माँ, माँ प्यार से अपने बच्चों के लिए कुछ भी बनाती है ना तो वो अच्छा ही होता है। हमें नहीं पता था डैड, और जैसे ही पता चला हम मुंबई आ गए। जरूर आएंगे छोटी माँ, आपसे मिलने, आपसे बात करने, पहले आपको जानेंगे समझेंगे और फिर धीरे धीरे आपको प्यार भी करने लगेंगे, आप देखिएगा। इतना आसान नहीं है अक्षरा, उनके पिताजी को पता चला तो वो मेरे बच्चों को मुझसे और भी दूर ले जाएंगे। मैं जानती हूँ ना उन्हें, मुझे पता है उन्हें ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि बच्चे मुझसे बात करें या मुझसे मिलने आए। ये सब तो मुझे अब बता रहे नमन, पहले क्यों नहीं बताया? Why? Sorry, Dad. क्या sorry? उस दिन मैंने तुम्हें वहां भी फोन किया था, तब तुमने ये सब क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि Dad, उस टाइम मुझे खुद नहीं पता था, और अगर मुझे पता होता कि वो उदयपुर रहती हैं तो मैं उनसे मिलने तो क्या सिटी में कभी नहीं आता। बिलीव मी डैड। व्हाट बिलीव यू नमन, इतने दिनों तक तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मुझे लगा आपको टेंशन होगी डैड, और वैसे भी वो चाहे जो भी कर ले, हम ना तो कभी उनसे मिलने वाले हैं और ना ही उनकी साइड लेने वाले हैं। We hate her, Dad. वो इसी काबिल है बेटा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगी। उसकी बातों पे बिल्कुल मत आना बेटा। Just avoid her. बाकी मैं संभाल लूंगा। Okay? Yes, Dad. Thanks, Dad. I love you. I love you too, बेटा। उस औरत ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, ना तुमसे ना मुस्कान से। तभी तो चली गई तुम दोनों को छोड़ के, और अब देखो शादी भी कर ली। क्या बता रहे थे तुम? कौन है वो लोग? सिंघानियास। ओके डैड, और अब मैं रखता हूँ, अब प्लीज टेंशन मत लीजिए, वी आर नेवर गोइंग बैक टू हर, कभी भी नहीं। ओके बेटा, गुड नाइट। जी। तू क्या सोच रही है, लेकिन डैड को ये सब बताना जरूरी था ताकि वो फिर से हमारे
पास आने की कोशिश ना करे। भाई आप डोमबूस, तुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अरे वो हमारे लिए सालों पहले मर चुकी है, और अब वो चाहे अक्षरा दीदी की सास बन के हमारे सामने आए या फिर अंशु या जैस के थ्रू हमसे बात करने की कोशिश करें, हमें उनसे कोई बात नहीं करनी। और डैड के भी क्लियरली यही ऑर्डर्स हैं। भाई हमने हमेशा अपने डैड की बात सुनी है, एक बार, सिर्फ एक बार हम मॉम की बात। मूस, वो हमारी मॉम नहीं है, तुझे समझ में नहीं आता? हमारी फैमिली सिर्फ हमारे डैड है, दैट्स इट। नहीं छोटी माँ, वो आपकी भी फैमिली है, और आप देखिएगा बहुत जल्द आपकी फैमिली आपके साथ होगी। क्या सोच रही है छोटी माँ? अक्षरा, अब मैं देवयानी सिंघानिया हूँ और मेरे बच्चे अग्रवाल, हम चाहकर भी एक साथ नहीं रह सकते। इस घर के लोग उन्हें क्यों अपनाएंगे? छोटी माँ, किसी को अपना बनाने के लिए, अपना मानने के लिए दिल मिलने चाहिए, सरनेम नहीं। आयुष शो? हाँ हाँ अंशुमन। मैं अजीब तो पहले भी लगा था, पर ऐसी बात हो गई, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। यकीन तो मुझे भी नहीं होता अंशुमन, अगर मैंने अपने कानों से ना सुना होता। सोचो ना, मुस्कान और नमन के लिए कितना मुश्किल होता होगा। तुम्हें क्या लगता है, हमें अक्षरा दीदी को ये बात बतानी चाहिए? नहीं अंशुमन, देखो आई एम श्योर दिव्यानी आंटी भी ये जानती होंगी कि नमन और मुस्कान उन्हीं के बच्चे हैं, और उन्होंने अपने घर पे ऑलरेडी ये बात बता दी होगी, या फिर नहीं बताई होगी। दोनों ही केसेस में हम किसी को नहीं बताएंगे। तुम सही कह रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने फ्रेंड्स का साथ हमेशा देंगे। ये भी कोई कहने की बात है अंशुमन, आज अगर तुम और मैं साथ हैं तो सिर्फ इनकी वजह से, तो आज हम इनका साथ कैसे नहीं देंगे? बिल्कुल, नमन मुस्कान दिव्यानी आंटी सबको हमारा सपोर्ट चाहिए, और हम देंगे, और यही कोशिश करेंगे कि वो लोग फिर से एक हो जाए। चलो रखती हूँ, ध्यान रखना, गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा, तू ये नमन मुस्कान और देवयानी बहन के बारे में क्या बात कर रहा था जसमीत से? बड़ी माँ, वो देवयानी आंटी ने उनके लिए लड्डू भिजवाए थे ना, तो बस उसी के लिए थैंक्स कहना था उन्हें। आइए ना बड़ी माँ, नीचे बैठ के दादू के बर्थडे की प्लानिंग कर लेते हैं सबके साथ। चल। The king told his people, if you want to be happy, you must work hard. गुड नाइट नैतिक। अरे लल्ला, पढ़ाई फिर से शुरू हो गई? हाँ दादाजी, एग्जाम्स हैं। हाँ लेकिन पहले दूध पी लो, चलो। नहीं मामा, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। नहीं नहीं, दूध पियो, चलो। पापा मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाई करनी है। नक्ष, एक गेम। नहीं पापा। कम ऑन नक्ष, एक गेम खेलते हैं ना, आ जाओ। अभी नहीं, नहीं तो मैं सब भूल जाऊंगा। नक्ष, कुछ नहीं भूलोगे आप, कम ऑन रिलैक्स, आ जाओ खेलते हैं, कम। ओके, अब जोर से किक मारना, ओके? ये लो, चलो। अरे अरे ये गॉड, यस, वेरी गुड नक्ष, आपने तो पापा को हरा ही दिया। चलो अब आप जल्दी से मुझे ये बताओ कि अगली का ऑपोजिट क्या होता है? ब्यूटीफुल, वेरी गुड। और सूनर का? लेटर। देखा, आपको सब कुछ याद है, आप तो कुछ भूले ही नहीं। यस पापा। पता है क्यों नक्ष? क्यों? क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया है। जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना तो रिफ्रेश करते हैं, वैसे ही माइंड को भी ना फ्रेश कर लेना चाहिए। देखो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ खेलना कूदना एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है, ओके? हाँ बेटा, करो सब, लेकिन लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। आपने बैलेंस नहीं किया था ना मामा,
इसलिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। आप पूरा टाइम डॉल से खेलती रहती थी ना। जी नहीं। पापा देखो मम्मा चिढ़ रही है। अब मैं देखती हूँ। हेलो, मैं सुरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, नमन का पापा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।